विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि मेले हमारी समृद्ध संस्कृति और धरोहर के परिचायक हैं। मेले के आयोजन से जहां परस्पर प्रेम तथा भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है, वहीं प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने में भी मेले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गसोते में 8 दिवसीय नलवाड़ मेले का समापन हो गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत करने के बाद जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए मेला कमेटी की सराहना की। इस मौके पर विभिन्न स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि ने बच्चों द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए उन्हें 10,000 रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने महिला मंडल गसोता के अधूरे भवन के निर्माण के कार्य को पूरा करवाने के लिए 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इससे पहले मेला स्थल पहुंचने पर गसोता पंचायत के प्रधान सुदर्शना देवी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा शॉल, टोपी एवं स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर हमीरपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष बलदेव धीमान, महासचिव राजेश गौतम, हरीश शर्मा, बीडीसी सदस्य सोनिया तथा गसोता पंचायत के उप प्रधान मान सिंह के अतिरिक्त अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिमला के बसंतपुर में सेना के चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक में सवार 8 जवानों ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि सेना का ये ट्रक लूरी से शिमला जा रहा था। बसंतपुर में ट्रक को आग की चपेटों ने घेर लिया और उसमें सवार 8 जवानों ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। करीब आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और उसने आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। ऊपरी क्षेत्र में नेत्र संबंधी रोगों की जांच के लिए सुविधाओं की कमी को देखते हुए सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट की ओर से रामपुर मंदिर परिसर में नेत्र जांच एवं मोती बिंदिया ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मरीजों और तामीरदारों के रहने, खाने, दवाइयां और अन्य सभी खर्च मंदिर ट्रस्ट की ओर से दिए जा रहे हैं। इस शिविर में रोटरी आईज फाउंडेशन मारांडा के नेत्र रोग विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा रही हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस शिविर में रामपुर के अलावा आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग इस शिविर में जांच करवाने पहुंच रहे हैं। सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि इस तरह के शिविरों का आयोजन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है ताकि दूर दराज के इलाकों के ग्रामीण और गरीब लोग इसका लाभ ले सकें। उन्होंने बताया कि आंखों से संबंधित रोगों के चिकित्सकों की कमी है और गरीब व बुजुर्गों को इसके कारण कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों की समस्या को देखते हुए ये कदम उठाया गया। रोशन चौधरी मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष ने बताया कि इस तरह का शिविर पिछले 8 सालों से लगाया जा रहा है। इस दौरान दवाइयों से लेकर रहने व खाने के अलावा सभी खर्च मंदिर वहन करता है। उन्होंने बताया कि इस शिविर में हजारों लोग पहुँच रहे हैं। वहीं रोगी प्रेमनाथ ने बताया कि वह बदहाल से आए हैं। उन्हें यहां पूरी सुविधाएं मुफ्त में मिल रही हैं और सफलतापूर्वक उनका ऑपरेशन भी हुआ है। मैं प्रेमनाथ शर्मा बदहाल से आया हूं। मेरी इस समय 75 साल की उम्र है। मैं आंखों का चेकअप करने के लिए सत्यनारायण मंदिर रामपुर बुशहर में आया हूँ। मेरी देखभाल, मेरा खाना पीना बड़े अच्छे ढंग से हुआ। किसी मरीज को कोई परेशानी नहीं हुई, ना ही किसी प्रकार का कोई चार्ज लिया गया। सत्यनारायण मंदिर के तरफ से खाने पीने की सुविधा थी, बहुत ही सुविधा रही, इतनी मैं अभी तक देखी नहीं है।
बरुआ कंडे में बर्फानी तूफान की चपेट में आने से बेहोश हुए बंगाली ट्रैकर की हालत में अब सुधार हो गया है। ट्रैकर का रामपुर के खनेरी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। ट्रैकर रूपम घोष ने आप बीती सुनाते हुए किन्नौर प्रशासन का आभार व्यक्त किया और बताया कि समय पर चौपर से रेस्क्यू नहीं किया जाता तो वे जीवित नहीं बचते। हालांकि उसे दूसरे साथी की मौत की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के रोहडू के जंगलीक होते हुए बरुआ जोत पैदल ट्रैकिंग पर निकले दल के 7 सदस्य बर्फानी तूफान में बरुआ जोत पर फंस गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई है और एक बेहोशी की हालत में रेस्क्यू कर वायुसेना के चॉपर से सांगला पहुंचाया गया। घायल ट्रैकर रूपम घोष ने बताया कि रोहडू के जांगलीक से पैदल ट्रैक पर निकलने के बाद बरुआ पास भी आसानी से पार कर लिया था। इस दौरान मौसम भी अनुकूल था, लेकिन जोत से रात्रि कैंप की ओर उतरते हुए बर्फानी तूफान की चपेट में वे आ गए। घोष ने बताया कि वो और उसका साथी तूफान से संघर्ष कर नीचे उतरने का प्रयास तेजी से करने लगे, लेकिन बर्फ तेजी से गिर रही थी। बर्फ अधिक गिरने से पैदल चलने में भी दिक्कत पेश आ रही थी। ऊपर से अंधेरा छाने लगा था। घोष ने बताया कि वो और उनका साथी जीवाशीष महंतु काफी देर तक तूफान से जूझते रहे। इस बीच वे बेहोश हो गया और दूसरे दिन चिकित्सालय में जाकर उसे होश आया। सरकार की ओर से उसे सूचना मिलते ही उसने बेहोशी की हालत में कैंप से सुबह वायुसेना के चौपर से सांगला पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि ट्रैकर दल में कुल 7 सदस्य शामिल थे। लगा एंड सिंस वी आर इन 7 हम लोग एक साथ चलने का कोशिश कर रहे थे कि जितना जल्दी हो सके नीचे जाऊं, मगर वहाँ पे बर्फ भी काफ़ी गिर चुके थे। तब नी लेवल हाइट का बर्फ हो चुका था, तो चलने में भी दिक्कत हो रहा था, टाइम लग रहा था। तो ऑलमोस्ट पंच पहुँच ही गए थे, अगर और थोड़ा देर जाके पहुँच जाते तो कैंप साइट चले ही आते। कैंप साइट था रिवर कैंप साइट, और उसके बाद हम लोगों को बोरू आना था नेक्स्ट डे, और बोरुआ से हम लोग सांगला ही आएंगे, आने का प्लान था उसी दिन। तो आप लोग कितने लोग? 7।